जयपुर में हुई नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट में दनोदा गांव के खिलाड़ियों ने हरियाणा की तरफ से खेलते हुए दूसरा स्थान प्राप्त करके हरियाणा में गांव दनोदा का नाम रोशन किया है। जीत के बाद जैसे ही खिलाड़ी अपनी टीम के साथ गांव में पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वह गांव की मान्यता, जिसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग मानते हैं, दादा रामसर तीर्थ पर अपना शीश नवाकर वहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस जीत को लेकर पूरे गांव में खुशी का माहौल था, क्योंकि जो बच्चे जीत हासिल करके आए हैं वो विभिन्न स्कूलों से, गरीब परिवारों से हैं। वहीं खिलाड़ी के परिजन राजेश दनोदा के घर पर सभी बच्चों के जलपान का कार्यक्रम किया गया। इस गांव के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो यह गांव खिलाड़ियों का हब कहा जाता है। इस गांव में तकरीबन घरों में खिलाड़ी मिलेंगे और इस गांव के खिलाड़ी नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर खेलकर गांव का वह गांव के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन कर चुके हैं। और अगर बात करें भारत की महिला हैंडबॉल टीम की, तो माना जाता है कि इस गांव की महिला हैंडबॉल खिलाड़ियों के बिना भारत की टीम अधूरी कही जाती है। साथियों आप देख रहे हैं द न्यूज नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ सोनू बिड़लान प्रभुवाला। साथियों इस वक्त गांव दनोदा के अंदर मौजूद है और आपको बता दें दनोदा गांव खिलाड़ियों का हब कहा जाता है, क्योंकि कोई भी खेल होता है तो उस खेल के अंदर दनोदा गांव के खिलाड़ियों की भागीदारी होती है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे दनोदा गांव के वो खिलाड़ी जो हाल फिलहाल टूर्नामेंट हुई थी जयपुर के अंदर, और जो दनोदा गांव की टीम है वो दूसरे नंबर पर आई थी। सभी साथी देख रहे होंगे ये लड़के हैं, जो लड़कियां हैं अभी जयपुर से जीत कर आए हैं। आप देख सकते हैं चेहरों पर कितनी मुस्कान है। दनोदा एक ऐसा गांव जहां कहीं भी टूर्नामेंट होती है तो दनोदा गांव का नाम जरूर आता है, चाहे वो गेम इंटरनेशनल हो चाहे वो नेशनल हो। दनोदा गांव के जो खिलाड़ी हैं, जो बच्चे हैं, उसके अंदर भाग लेते जरूर है। मेरे साथ है इन्हें बच्चों के जो गुरु है, कोच, वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका जी? सर मेरा नाम कुलदीप नैना है। सर ये टूर्नामेंट कहाँ हुई थी? सर ये सर टूर्नामेंट है जयपुर में हुई थी। तो दनोदा गांव के बच्चों की उसके अंदर क्या रही है पोजिशन? इसमें हरियाणा की टीम गई थी सर, जिसमें दनोदा के 12 बच्चे थे। ठीक है सर। जिसमें अंडर 14 गर्ल्स थी छाया अपने दनोदा की, और दनोदा हरियाणा की उसमें सेकंड पोजीशन रही है, सिल्वर मेडल रहा है। दनोदा के बच्चों की सेकंड पोजीशन रही है सर? हाँ, हरियाणा की टीम की रही है। हरियाणा टीम, हाँ हरियाणा की टीम से इन्होंने खेला था, और छाया लड़कियों की इसमें सिल्वर मेडल रहा है अंडर 14 गर्ल। कितने बच्चों की टीम है सर कबड्डी की? इसमें जैसे प्लेइंग में तो होते हैं जी 7 प्लेयर, टीम होती है 12 खिलाड़ी होते हैं टीम में। साथियों दनोदा गांव एक ऐसा गांव है जहां कहीं भी मतलब खेल होते हैं तो उनमें सबसे अग्रणी स्थान गांव दनोदा का रहता है। हाल फिलहाल जयपुर में कबड्डी की टूर्नामेंट हुई थी और उसके अंदर हरियाणा में सेकंड टीम रही है गांव दनोदा की। आप देख सकते हैं ये वो लड़कियां हैं जो जीत कर आई हैं। क्या नाम बेटा आपका? मोनिया सर। आप जीत के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा सर। अच्छा आपके पापा आपकी मम्मी को कितनी खुशी हुई इस बारे में? हम जीत कर आए हैं इसे हमारे माता पिता को बहुत खुशी हुई। अच्छा आज आपने विजय जुलूस निकाला गांव में, तो आपने आप बच्चों को देखा होगा अपने, और को तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम इन्हें बताना चाहेंगे कि आप भी हमारे तरह ही आगे बढ़कर और ग्राउंड पर आकर प्रैक्टिस करके और हमारे शरीर को भी स्वस्थ रहेगा और आप भी इसी तरह हमारी तरह मेहनत करना, आपका भी माँ बाप का नाम रोशन होगा और हमारे गांव का भी। साथियों इन बच्चों ने आज दनोदा गांव के अंदर विजय जुलूस निकाला था और एक संदेश दिया था दूसरे बच्चों को कि आप भी खेल के माध्यम से अपने गांव का, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। सभी साथियों से निवेदन की खबर को शेयर जरूर करते रहें व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में। हमारे साथ और भी बच्चे मौजूद है। क्या नाम बेटा आपका? महक। महक कैसा लग रहा है आप जीत के आए हो? बहुत अच्छा लग रहा है सर।
क्या नाम महक? यस सर। अच्छा जी, ये गुड़िया थी, कह रही है बड़ा अच्छा लग रहा है, आज हम जीत के आए हैं, हमारे गांव का, हमारे माँ बाप का नाम रोशन हुआ है और बच्चों को भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी शिक्षा में, खेलों में आगे बढ़कर अपने गांव का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहें। क्या नाम बेटा आपका? पूजा सर। पूजा, कौन क्या नाम पढ़ते हो? 9th। आज कैसा लग रहा है, आप जीत के आए हो? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, क्या नाम है सर? दीपक नाम है। दीपक, आज आप खेल के आए, जीत के आए, तो कैसा लग रहा है आपको? खुशी से महसूस हो रही है। खुशी महसूस हो रही है। हाँ। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ और कुछ है? और क्या नहीं, आप खेलते हो, उसके अलावा कुछ और एक्टिविटी? नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ खेल और पढ़ाई। खेल पढ़ाई। साथियों, आपने देखा कि मेरे साथ वो बच्चे मौजूद थे जिन्होंने जयपुर के अंदर टूर्नामेंट में भाग लेकर अपने हरियाणा प्रदेश, अपने गांव दुनौदा का नाम रोशन किया है। आप भी सभी साथियों से निवेदन, खबर को शेयर जरूर करते रहें।